आज हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहने वाली है कि हम चैप्टर को जहाँ तक मैक्सिमम ले जा सकें, क्योंकि मुझे बहुत चिंता है कि भाई बच्चों को जल्दी से जल्दी और टॉपिक कराओ, फिर बच्चों के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के डाउट भी तो लेने होंगे मुझे। चलिए सर, हमने ये वाला तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया, नाउ वी आर हम जाते हैं अदर देन कैश पे। ठीक है, अदर देन कैश पे। चलिए सर, टॉपिक का नाम है सर हमारा अदर देन कैश। सर जो अदर देन कैश है, इसका मतलब क्या है हम देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं सर इसमें टॉपिक क्या पढ़ाओगे आप। तो जिस बच्चे ने शेयर्स वाला करा है उसको भी समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़े से बस कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं। और हम एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक खत्म करेंगे, कॉन्सेप्ट खत्म जी। तो अगर हम अदर देन कैश की बात करें, तो अदर देन कैश में सबसे पहले हमारा व्हेन परचेज सिंगल एसेट्स, जब हम एक पर्टिकुलर कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तब क्या होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड वन होगा जब हम क्या खरीदेंगे सर, व्हेन परचेज बिजनेस, जब हम बिजनेस खरीद लेंगे तब क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सर इशू या डिबेंचर, इशू टू अंडरराइटर, जब अंडरराइटर को आप डिबेंचर इशू कर देंगे तो किस टाइप से होगा। एंड लास्ट वन डिबेंचर इशू टू प्रमोटर। तो सर टोटल मिला के ये टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हम एक एक करके फिर चेक मार्क लगाते जाएंगे और हम करते जाएंगे सर। हम पहले कौन से टॉपिक पे फोकस करते हैं सर, ये फर्स्ट टॉपिक व्हेन परचेज अ सिंगल एसेट्स। ठीक है, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक व्हेन परचेज अ सिंगल एसेट्स। ठीक है ना, इसके अंदर भी तीन टाइप होंगे सर। सर इसमें भी तीन टाइप, जी हाँ सर। कौन कौन से तीन टाइप होंगे, आप जब एसेट्स खरीदोगे तो आप जो इशू करोगे वो या तो हो सकता है एट पार हो, या हो सकता है एट प्रीमियम हो, या हो सकता है एट डिस्काउंट हो। हो सकता है एट डिस्काउंट हो। ये तीन टॉपिक्स हैं। तो पहले हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, और हम देख लेते हैं क्या हमारे इस फुलफिल को कर रहा है ये कंडीशन। ये तो है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स क्रेडिटर, ये नहीं हो रहा। फिर मैं अपने एग्जांपल ले लूंगा, प्रीमियम पार्ट पेमेंट परचेज ऑफ एसेट्स लिमिटेड ने क्या करा, 9,50,000 का पेमेंट मेड, दिस 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 बैलेंस इशू डिबेंचर एट अ प्रीमियम। ठीक है सर, ये प्रीमियम वाले में कंसीडर कर लेंगे। वेंडर लिमिटेड वर्थ एंड कंपनी फर्नीचर, खूब सारा, ये भी नहीं पढ़ता। चलो पहले वाले सिचुएशन का हम लिख लेते हैं। व्हेन परचेज सिंगल एसेट। देखिए ऑलरेडी ना 12th क्लास में आप सभी ने ना ये देखा हुआ है, तो सो दैट मैं ये मानूंगा कि आपको अदर देन कैश का बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, होता कैसे है वो चीज़ें आपको पता होंगी। नोटिफिकेशन नहीं आया, मेरे पास तो आ जाया था नोटिफिकेशन।
हाँ बिल्कुल। अब तो देखो कुछ बच्चे अगर लेट ज्वाइन हुए हैं ना, तो सर कब क्लास स्टार्ट हुआ है, जस्ट अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं कराया था। ठीक है, चलिए इसके अंदर हम सबसे पहले एट पार वाली बात कर लेते हैं। केस नंबर वन केसेस में बना देते हैं। ठीक है, एट पार क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी रुपीस 1 लाख एंड इशू 10% डिबेंचर। एट पार, अगर एट पार ना बोला जाए ना, तो समझ जाना वो एट पार ही है। ये सवाल है, इसी सवाल को बेस मान के हम कुछ एक एग्जाम्पल के कर लेंगे। अब सबसे पहले भैया मुझे ये बताओ, अदर देन होता है क्या केस? जैसे मान लो एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, और इसको एक दुकानदार, जैसे मान लो एक पी क्यू आर लिमिटेड एक कंपनी है, इस दुकानदार का काम, पी क्यू आर लिमिटेड का काम है सर मशीनरी मशीनरी बेचना। पी क्यू आर लिमिटेड का काम क्या है? मशीनरी बेचना। एक्स वाई जेड को ये मशीनरी खरीदना है, और एक्स वाई जेड के पॉकेट में पैसा है नहीं, कैश। तो इसने क्या करा, इस मशीनरी को ले लिया। किसने लिया सर? इस मशीनरी को इसने खरीद लिया, और बदले में इसको इसने डिबेंचर दे दिया। तो जो बदले में इसको डिबेंचर दिया है, तो जैसे ही हम किसी को डिबेंचर देते हैं, तो बोला जाता है डिबेंचर इशू कर दिया। तो जो हमारा ये एक प्रोसेस हुआ एक्सचेंज का, तो इसने डिबेंचर इशू किया, लेकिन बदले में पैसे ना लेके मशीनरी ले लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया कि डिबेंचर इशू अदर देन कैश। नाउ यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स और भी हैं, जो ये होगा इसको पता है हम क्या कहेंगे, वेंडर। जो सेलर होता है उसको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, दैट इज वेंडर। इस बात का ध्यान रखना, ये तो बायर है ये है। अब चलिए जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सर जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें, तो जर्नल एंट्री में क्या होगा सर? पहले सबसे पहली एंट्री फॉर्मेट में ही कर लेते हैं। वॉइस क्लियर है ना हर बच्चों को? नॉइस नहीं होना चाहिए वॉइस के अंदर। चलिए पर्टिकुलर, ठीक है, आ जाइए। चलिए पहली एंट्री जो करेंगे, हमने खरीदा है मशीनरी, तो मशीनरी खरीदा है तो सर एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू वेंडर। ठीक है सर, वेंडर लिखना है, कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं कोई भी नाम रखूं कि एक्स परचेज मशीनरी फ्रॉम पी क्यू आर लिखता, तो यहाँ पी क्यू आर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो वेंडर सर इसका बींग, क्योंकि एक क्वेश्चन का देखो मैं हमेशा बींग लिखता हूँ, उसके बाद थोड़ा जल्दी आपका खत्म हो इसलिए नहीं लिखता बींग मशीनरी। परचेज फ्रॉम वेंडर लिख दो, जगह नहीं है, फ्रॉम वेंडर कर देना। और ये मैं गलत कर रहा हूं कि इधर ले गया, आपको इधर ही एडजस्ट करना था। ठीक है, मैंने बता दिया सर 1 लाख का, तो 1 लाख और 1 लाख, करेक्ट। अब हमारी अगली एंट्री होगी सर वेंडर वेंडर अकाउंट। अब सर लॉजिकली भी समझ लेते हैं सर इसको, मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी एसेट्स है, तो एसेट्स है तो डेबिट हो गया,
और हमारा वेंडर जिससे हमने खरीदा है, क्योंकि हमने अभी उसका पेमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं किया, तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हो गया, तो इसलिए एक डेबिट और एक क्रेडिट हो गया। अब हम वेंडर को जब देंगे तो अपनी लाइबिलिटी खत्म करेंगे और क्या दे देंगे सर, 2 10% डिबेंचर, ठीक है, 1 लाख, और 1 लाख रुपए नंबर के टर्म्स में 10,000 हो जाएगा, नंबर्स के टर्म्स में 10,000 हो जाएगा, बीइंग डिबेंचर इश्यू टू। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? चलिए इसके बाद हम देखें तो कई बार ऐसा होता है समहाउ कि हम ना क्या करते हैं कि अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हम पूरा एग्जाम्पल सेम रखते हैं और मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड 40,000, या फिर मैं थोड़ा सा और एड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, पेड 40,000 एंड बैलेंस इशू 10% डिबेंचर, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में सब कुछ एकदम सेम रहने वाला है, एंट्री बदलाव कहाँ होगी, यहाँ पे, ठीक है, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ बस। सर मैंने क्या बदला है, पहली एंट्री में कभी चेंज नहीं आएगा वेंडर, और बस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, मैं चेंज जो हो रहा है वो मैं अलग मार्कर से कर देता हूँ, 2 10% डिबेंचर रहेगा, लेकिन जब नाउ अमाउंट जो है, क्योंकि आपने 40 पेड कर दिया है 1 लाख में से, तो पेड के लिए 2 बैंक यूज कर लेंगे, तो 40 तो बैंक में आ जाएगा और 60 यहाँ आ जाएगा, तो ये फर्क रहने वाला है आगे इसमें, ठीक है। तो एट पार वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब आ जाते हैं हम कम टू द पॉइंट एट प्रीमियम। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बता दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट से। नो सर, क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं, हम एग्जाम्पल सेम ही रख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं ये सारी चीजें लेकिन मिटा दूंगा और क्वेश्चंस में थोड़ा बदलाव करूंगा, मैं ये करने जा रहा हूं मैं एट प्रीमियम का केस नंबर 2, एट प्रीमियम, ठीक है। फॉर्मेट तो काम ही आएगा तो रहने देते हैं। चलिए सर, केस नंबर 2। अब हम डिबेंचर जो इशू करेंगे, मैं क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस, एक अमाउंट मैंने कहा कि एक्स वाई जेड ने परचेज किया मशीनरी ₹1,10,000 का एंड इशू 10% डिबेंचर, और जहां मैंने एट पार लिखा है वहां मैं लिखने जा रहा हूं एट प्रीमियम, एट प्रीमियम कितने परसेंट साहब, 10%, ठीक है ना, कितने परसेंट, 10%। जब कभी भी डिबेंचर प्रीमियम या डिस्काउंट पे इश्यू हो तो हमें सबसे पहले नंबर फाइंड करना होगा, यानी नंबर ऑफ डिबेंचर। फाइंड करने का तरीका क्या है, आपका एसेट्स वैल्यू लिखना है आफ्टर कैश, आफ्टर एडजस्टमेंट या आफ्टर पेड, अभी समझ में आ जाएगा, और डिवाइड करना होता है आपको इश्यू प्राइस या इश्यू प्राइस से बेहतर है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट होता है तो माइनस कर देते हैं हम डिस्काउंट, सिंपल फंडा लेके चलते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमें पहले नंबर, अगर नॉर्मली स्टूडेंट देखता है ना कि 10% प्रीमियम है, तो स्टूडेंट पहली बार में, हर एक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पहली बार में क्या एरर कर देता है, सर प्रीमियम होगा, जो गलत करता है बच्चा, 10% प्रीमियम है तो 10/100 कर देता है, और स्टूडेंट कैलकुलेट कर बैठता है कि भैया 11,000 का प्रीमियम होगा, जो कि ये गलत है पूरी तरीके से, ठीक है ना। हमें पहले नंबर निकालना होगा, उस नंबर के अकॉर्डिंग प्रीमियम चलना होगा, क्योंकि 1 रुपये 1 शेयर पे प्रीमियम है, तो ये गलत हो जाता है। तो अगर देखा जाए, तो हमारा नंबर अगर निकाले हम, तो दैट इज हमारे एसेट्स का वैल्यू है 1,10,000, डिवाइड करेंगे 10 + 1, 10 रुपये फेस वैल्यू प्लस में 1 रुपये प्रीमियम, यानी 11। तो इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। तो अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम सिंपल पूछूं, ये क्या निकला है सर, ये नंबर निकला है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पूछूं मैं, तो आप सिंपल सिक्योरिटी प्रीमियम निकालोगे सर 10,000, तो क्या है हमारे सर नंबर है और इनटू में 1, तो 10,000। पहले क्या आ रहा था याद होगा आपको, 11,000, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा सर, 10,000 आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 10,000। तो चलिए इसको एंट्री करते हैं, और इसके साथ साथ इसका दूसरा केस भी करेंगे, वो बुक का ही क्वेश्चन देख लेंगे। सर एंट्री कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, हमने मशीनरी खरीदा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और टू वेंडर। अब यहाँ पे 1.1 लाख लिख रहा हूं मैं, 1,10,000। अगली एंट्री सर वेंडर, वेंडर में 1.1 लाख ही आएगा, और 2 10% डिबेंचर। सर 10% डिबेंचर कितने होंगे सर, क्योंकि आपने नंबर 10,000 निकाला है और एक डिबेंचर 10 रुपए का मान के चल रहे हैं, वैसे 100 का भी मान सकते हो आप, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 1 लाख एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में सर दैट इज 10,000 और इनटू में 1, तो कितने हो गए सर, 10,000। नाउ क्वेश्चन कंप्लीट, बीइंग वही रहेगा पहले वाला। इसमें किसी बच्चे को डाउट है, एक ने बोला सर सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो, अभी आगे आ जाएगा सेकंड एग्जांपल, सेम हम कर लेंगे, ठीक है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बताइए फटाफट से, ये क्लियर है। चलिए एक आपके बुक का भी क्वेश्चंस देख लिया जाए, जिसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन है, सेकंड केस का ही हम देख के चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ है, ठीक है ना, आपके सामने ये रहा एग्जाम्पल, मुझे ये करवाना ही था, तो मैं क्वेश्चंस लिखने से अच्छा कि मैं यही कर लेता, ठीक है, आपको क्लियर विजुअल होगा। सर यहाँ पे अमाउंट, वैसे डेबिट अमाउंट होता है, ये लिख लिया। क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं पढ़ के क्या कहना चाह रहे हैं। सर क्वेश्चन कहता है कि रीना कॉस्मेटिक लिमिटेड एक्वायर अ मशीन फ्रॉम, यहाँ नाम शायद गलत होगा मुझे, ऊना कॉस्म, हाँ टीना है ये, है ना, तो ये गलत हो गया, टीना, चलो यू लिखा है, एक केमिकल, यानी दो कंपनी है यहाँ। हेयर एक है हमारा, सिंपल ले लेते हैं आर लिमिटेड, रीना लिमिटेड, रीना लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी है टीना है, यहाँ पे यू एन ए लिखा है, तो मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसने क्या करा, एक मशीन खरीदा इससे, तो ये वेंडर हो गया, और इससे मशीन कितने का खरीदा, इसने मशीनरी जो खरीदा वो दैट इज खरीदा 9,50,000। अब जब इसने मशीनरी खरीदा तो इसको पेमेंट करना चाहिए, तो इसने पेमेंट के बदले में डिबेंचर इशू किया, लेकिन आगे क्या कहता है कि पेमेंट इसने किया, लेकिन पेमेंट कितना किया, 70,000, तो माइनस कर दो पहले यहां से, पेड कर दिया हमने, कितना पेड कर दिया, तो मैंने फॉर्मूले में, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या लिखा था यहां पे सर, फॉर्मूले में लिखा था, इसको यहीं ले जाते हैं, रुक जाइए,
जहां क्वेश्चन जिसकी जहां जगह वहां। फॉर्मूले में लिखा था एसेट्स वैल्यू लिखना है लेकिन आफ्टर कैश करके नंबर निकालने के लिए। तो मेरे सवाल में आप देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8,80,000, 8,80,000 रुपये। तो नंबर निकालते टाइम पे हम 8,80,000 देंगे, जितना पैसा पेड किया है वो टू बैंक में आ जाएगा। अभी देखिएगा आगे कहता है कैश बैलेंस इशू डिबेंचर 100 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम। तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना होगा। फॉर्मूला याद होगा मैंने बोला था एसेट्स वैल्यू, तो एसेट्स में 9 लाख नहीं लेके आफ्टर पेमेंट कैश करेंगे, तो आफ्टर पेमेंट कैश जो होगा वो दैट इज 8,80,000 होगा, डिवाइडेड बाय 100 रुपये का एक था हमारा, तो 100 रुपये और प्रीमियम 10 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा 8,800 नंबर निकल के आएगा, 800 ही आएगा ना, या 8,000, 8,000, 8,000 नंबर निकल के आया। तो अब प्रीमियम किस पे कैलकुलेट करोगे? अगर मैं सिंपली सिक्योरिटी प्रीमियम पूछूं तो बोलोगे सर बहुत आसान हो गया, ये तो 8,000 आप डिबेंचर इशू कर रहे हो और एक डिबेंचर पे आप 10 रुपये का प्रीमियम ले रहे हो, तो दैट इज 80,000 रुपये का आपका क्या मानने वाले हैं, प्रीमियम। समझे बात? चलिए सर एंट्री में आ जाते हैं। एंट्री में देखा जाए चलिए आ जाइए एंट्री में देखा जाए तो एंट्री में हम सबसे पहले एंट्री करेंगे मशीनरी। अकाउंट डेबिट और टू, अब कंपनी का भी नाम लिख सकते हो जैसे कि ऊना है, या फिर वेंडर लिख दो आप, वेंडर अकाउंट। सर कितने रुपए? यहां पूरा वैल्यू आएगा 950, यहां पूरा वैल्यू आएगा 950, ठीक है ना, यहाँ फुल वैल्यू आने वाला है 950। इसके बाद आगे देखें हम, 950 के बाद आगे क्या आएगा सर? वेंडर, वेंडर वेंडर कौन होता है? सेलर होता है बेसिकली। और इसको हमने क्या क्या करा सर? पहले तो हम डिबेंचर देंगे, कितने परसेंट डिबेंचर? सवाल कहता है सर 10%, नहीं दे रखा, नहीं है तो परसेंटेज डिबेंचर लिख देंगे। सर हमने नंबर निकाला है कि 8,000 है, तो 8,000 एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो दैट इज इसको दिया जाएगा 8,00,000 रुपये। यहाँ तो आ जाएगा 950, यहाँ आ गया 8,00,000। और टू में क्या आ जाएगा सर? टू में आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 80,000। अब जितना पैसा देने का इसने बात कहा था उस पैसे को हम टू बैंक कर देंगे। सर ये किस लाइन की वजह से? जो ये 70,000 वाली बात कह रहा था ना, ये बैंक में चला जाएगा, बैंक अकाउंट। और ये देखो कई बार मैं जैसे यहाँ अकाउंट नहीं लगा रहा, तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूरे पूरे वर्ड लिखने हैं, क्योंकि मैं अगर अभी पूरे पूरे वर्ड लिख के क्वेश्चन करूंगा तो आपका सिलेबस रह जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट कराते ही एक दो क्वेश्चन करके आपको दिखाने होते हैं। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस मान लो, तो उसी का एक आगे देखते हैं, क्योंकि साथ के साथ मैं बुक के सारे क्वेश्चंस, मेरा एजेंडा है कि कराता जाऊं तो दिक्कत ना हो आपको, ठीक है? फॉर्मेट बनाने में टाइम लग जाता है, थोड़ा सा कॉपी कर लें, चलो कोई नहीं बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है,
हेडिंग को छोड़ते हैं, कहता है राजकुमार लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम अशोक लिमिटेड, और इसने 65 लाख रुपए का एक बिल्डिंग खरीदा। द पेमेंट वॉज मेड 25% एज 25% एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द बैलेंस वेंडर अलॉटेड 100 का डिबेंचर एट अ प्रीमियम 25%, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? यानी पहले जहां कैश पेमेंट किया करते थे वहां पे कैश अब पेमेंट ही नहीं हो रहा, अब वहां पे क्या पेमेंट कर रहे हैं हम? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या हो गया? चलिए मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूं। सर हमने बिल्डिंग खरीदा, सर बिल्डिंग खरीदा दैट इज 65 लाख, और बदले में हमने इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब पता है क्या होता है? सिंपल वर्ड में बताऊं तो बीपी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज शब्द ना बीआर के लिए भी यूज होता है और बीपी के लिए भी यूज होता है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हमें पैसे देने होते हैं तो बीपी यूज कर लेते हैं, और जब लेने होते हैं तो बीआर यूज कर लेते हैं, बस इतना फर्क है। तो बोला भैया बीपी जो होगा हमारा वो कितने परसेंट होगा? 25%। तो अगर 65 का निकालेंगे 25 क्या आ रहा है? 16,25,000 हमारा ये होगा। तो जितने बचे उसके क्या इशू करेंगे हम? डिबेंचर 48.75। अब हमें निकालना होगा यहां नंबर, नंबर ऑफ डिबेंचर, और नंबर ऑफ डिबेंचर जो निकालेंगे वो निकालेंगे 48.75L डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, कितने आ रहे हैं? 39। एग्जैक्ट नंबर आ गया 39,000, एग्जाम में अलाउड है आपको 39,000। चलिए अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। सर क्वेश्चन में सबसे पहले होगा हमारा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आलोक लिख लो या फिर वेंडर, आलोक लिमिटेड या फिर वेंडर। अमाउंट जो आएगा वो आएगा 65 लाख। अब वेंडर में लिखो वेंडर अकाउंट डेबिट 65 लाख, और टू में क्या आएगा? सर टू में सबसे पहले डिबेंचर का परसेंटेज पता है तो ठीक, नहीं पता तो परसेंटेज डिबेंचर है, तो परसेंटेज डिबेंचर। सर हमने नंबर जो निकाला है उसी नंबर से अब काम होगा, 39 × में 100 है तो दैट इज हमारा आ गया 39 लाख, और टू में सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसी पे कैलकुलेट होगा 39,000, और एक पे सिक्योरिटी प्रीमियम 25 का है, कितने आ रहे हैं? 9,000 या लाख हो गया 5,000। ठीक है, और बाद में क्या लिख देंगे? टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स पेबल कह लो, 16 लाख। समझ में आया आपको? बीइंग में कोई फर्क नहीं होगा। किसी बच्चे को कहीं से कहीं तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। किसी बच्चे को कहीं से कहीं तक कोई डाउट तो बताइए। क्लियर सर? चलिए एक और एग्जाम्पल, मेरा मन है, बुक में होता नहीं है जनरली लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए तो जरूर बच्चा वहां पे फंस जाता है और बच्चा परेशान होता है। तो मेरा मन है कि एक एग्जाम्पल और मैं अपनी तरफ से कराऊं इसमें, बस एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से करा दूं।
चलिए सर, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं। दैट इज चेंजिंग इज व्हाट। चेंज मैंने ये किया कि हम इसे 1 लाख रुपए, ये है सारा मामला। पहली एंट्री एग्जैक्टली सेम रहती है क्योंकि वो एसेट से होता है, फर्क पड़ता है सर दूसरे एंट्री में, मैंने इरेज कर दिया और ये भी पूरा का पूरा चेंज हो जाना है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आया कि हमारा जो आंसर है वो फ्रिक्शन में आ गया। फ्रिक्शन का मतलब पॉइंट्स में। तो जब डिबेंचर पॉइंट्स में आ जाए तो फिर ये समस्या हो जाता है। अगर हम यहाँ पे नंबर कैलकुलेट करें, मेरे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करें, तो दैट इज कितने आएंगे सर? दैट इज आएंगे आपके सर 1 लाख रुपए और डिवाइडेड बाय, आप 10 का मानना चाहते हैं तो 10 का मान लीजिए और 100 का मानना चाहिए फर्क नहीं पड़ता, तो डिवाइड में 11 लिख रहा हूं, ठीक है, या 10+1 कर देता हूं आपको समझाने के लिए। अब जब आप नंबर निकालोगे इसको कैलकुलेट करके, तो मैं पूरे डिजिट लिखूंगा, मेरे पास आ रहा है 9090.9090। कैलकुलेट में डिजिट नहीं है, नहीं तो ये आगे तक जाता, ठीक है। अब समस्या ये आई, प्रॉब्लम क्या आई? हाँ बिल्कुल, जो अभी एग्जांपल कराया है उसी से रिलेटेड है। समस्या ये आया कि सर यहाँ पे जो ये पॉइंट्स आ गया है, ये पॉइंट्स अब कैसे करें? तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि सर आपको सिर्फ ये डिजिट ही लेना है, इस वाले पॉइंट को इग्नोर कर देना है। यानी आप बोलोगे सर 0.9 है तो उसको 1 ले लो, नहीं, पॉइंट के बाद के सारे डिजिट आपको इग्नोर करना है, ठीक है ना? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट, ये तो एक, अब मैंने यहां थोड़ा अमाउंट चेंज कर दिया, दैट्स वाई यहां भी चेंज हो जाना चाहिए, 1 लाख और 1 लाख, तो ये 1 लाख आ गया। टू 10% डिबेंचर, अब देखिए 10% डिबेंचर जो निकलेगा, हमारा नंबर निकला है 9090, यही है ना, 9090 इंटू में 10, तो दैट इज आ जाएगा हमारा 90900। नाउ टू सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 9090 मल्टीप्लाई बाय 1, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 9090। अब आप देखोगे कुछ डिफरेंस आ रहा है, एक अमाउंट सर्टेन डिफरेंस पड़ रहा होगा, तो कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 10 रुपए का। इस डिफरेंस को हम कैश से मैच करेंगे, बैंक से भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे किससे? कैश से मैच कर देंगे। बस यहां पे ये ट्विस्ट था कि बैलेंसिंग फिगर आपका कुछ डिफरेंस आएगा, उसको मैच कर देंगे कैश अकाउंट से, जो कि डिफरेंस अगर देखा जाए डेबिट क्रेडिट में तो 10 रुपए का ही है, 10 रुपए का। तो यानी पॉइंट में भी अगर आता है तो उसको किस तरीके से टेक केयर किया जाएगा वो भी मैंने बता दिया आपको। किसी स्टूडेंट को डाउट, मैं यहाँ केस नंबर हटा दूं, वैसे तो 2 का ही चल रहा है, किसी स्टूडेंट को डाउट, फिर हम आएंगे डिस्काउंट पे। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट बताइए, क्लियर हो रहा है? और जितने क्वेश्चंस आपके बुक में है और इससे रिलेटेड 10 ईयर में मिलता है तो साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए, नहीं तो फिर बाद में इकट्ठा कुछ भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कोई डिस्काउंट वाला मिल जाए हमें, तो डिस्काउंट का टॉपिक डाल के नहीं है, मुझे खुद ही करना पड़ेगा डिस्काउंट वाला। चलिए 13 है लेकिन मेरे पास जो लगाया है इसने 13 तक लगाया ही नहीं, नहीं लगाया था, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ, इसको बोलता हूँ सारे क्वेश्चंस लगाने के लिए, लगाते ही नहीं सारे क्वेश्चन, आज बोलता हूँ इसको। सर केस नंबर 3, तो मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए यहीं से एग्जांपल उठा लेते हैं। केस नंबर 3, क्वेश्चंस को भी चेंज कर देते हैं,
मशीनरी लीजिए जी, क्वेश्चन मैंने बना दिया है, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने बना दिया है। केस 3 क्या कहता है मेरे क्वेश्चंस में, ध्यान दोगे तो, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 90,000 का एंड इशू किया 10% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट पे। तो हमें फिर से क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर, शेयर नहीं, डिबेंचर। तो सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदा है 90,000 और डिवाइडेड बाय हमारा अगर 10 का मानते हैं और डिस्काउंट 10% तो -1 होगा। देखो मैंने माइनस लगाया ना डिस्काउंट में, तो नाउ यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करते हो तो हमारा रिजल्ट आता है सर 10,000, ठीक है। तो पहली एंट्री तो हमारा सेम हो जाना है 90,000 से, हमने इतनी एंट्री कर ली है कि आपको याद हो जाना चाहिए ये। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, वेंडर, और लास्ट क्लास में बताया था डिस्काउंट लॉस भी होता है तो वो डेबिट आ जाएगा, यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू 10% है। तो नंबर आपका अगर 10,000 है और 1 रुपए, तो 1 रुपए का डिस्काउंट बनेगा, दैट इज आपका 10,000, और 2 में आ जाएगा आपका 10% डिबेंचर, दैट इज 1 लाख। नाउ इस डिस्काउंट को भी लास्ट क्लास में हमने राइट ऑफ करना सीखा था, पर आपके बुक्स में देखोगे और कई जगह पे देखोगे इस डिस्काउंट को राइट ऑफ नहीं किया गया। इवन तो जो मैंने 10 ईयर में भी था, तो मैंने जो ट्रेंडिंग में चल रहा था उसके हिसाब से किया था, क्योंकि बुक के अंदर बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत लोग पढ़ते हैं तो उस वजह से। लेकिन मेरे जो एक्चुअल होना चाहिए कि आपको इस डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करना चाहिए। एक तो इसलिए नहीं किया वहां पे मैंने डिस्काउंट की एंट्री, जो आपके 10 ईयर है, मैंने ये मान लिया कि भाई हमारे पास रिजर्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम डिस्काउंट कहाँ से राइट ऑफ करें, ये मान के करा हुआ है, नहीं छोड़ दिया। लेकिन अगर आप अजम्पशन ले लेते हो कि हमारे पास रिजर्व प्रॉपर मात्रा में है या स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसको राइट ऑफ करना चाहिए, और इसको राइट ऑफ मैं आगे जब करूंगा 10 ईयर में कुछ चेंज, तो मैं उसमें चेंज ही कर दूंगा। तो अब हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, सॉरी, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ये एंट्री करना आप एग्जाम में, डिस्काउंट ऑन इश्यू दैट इज 10,000, और लास्ट क्लास में बताया था डिस्काउंट रिटर्न ऑन। इसके लिए समहाउ आप नोट देना चाहते हो तो दे सकते हो नोट, वी अज्यूम दैट इन दिस कंपनी सफिशेंट सफिशेंट सरप्लस अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, ऐसा ही है। तो वहां से राइट ऑफ किया उन्होंने, करा है ना, चलो वो तो हो गया। तो ये एक नोट डाल दोगे, दैट इज आपका हो जाएगा डन, ठीक है। तो सिंगल एसेट्स परचेज वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।